अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक स्ट्रेटेजी कमेटी के माध्यम से हम सब लोगों को जिम्मेवारी दी कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। उस संदर्भ में हम पूरी कमेटी ने चर्चा करी और आपस में कुछ न्यूनतम शुरुआती सहमति हुई और भविष्य के अंदर लगातार हम लोग आपस में मिलकर और जब जैसी परिस्थिति रहेगी अलग अलग मुद्दों पर आपस में सहमति करकर और पार्टी को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोगों के सजेशन है, जो हम लोगों का मैंडेट है वो दे। चुनाव जीतना बहुत आसान है, किस माध्यम से हम लोगों के बीच में जाए सवाल ये। जो 5 साल के अंदर विकास के कार्य हुए, जो 5 साल के अंदर योजनाएं बनी है, अगर हम सफलतापूर्ण लोगों के बीच में लेकर चले जाएंगे तो चुनाव जीतना बहुत आसान है। तो आपस में हम लोगों ने चर्चा करी कि एक तो बूथ स्तर के ऊपर कोई ना कोई कार्यक्रम पार्टी को अनाउंस करना चाहिए। ये बात हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को और पार्टी को करेंगे। उम्मीदवारों का चयन जल्दी होना चाहिए और जो कुप्रचार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उसका जवाब हम लोग तत्कालीन उसका जवाब दें। और जो जवाब हम लोगों से मांग रही है, अन्याय राजस्थान के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, हर क्षेत्र में किया है। उनके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो हम लोगों से, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और राजस्थान की कांग्रेस से ये सवाल पूछे। तमाम क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के साथ भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। हम लोगों को उनके जो अन्याय किया हुआ लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं वो लेकर जाएंगे और कांग्रेस के कार्यक्रम है वो लेकर जाएंगे। मेघवाल जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो आपस के अंदर एक बोलने के लिए उनके पास किसी को अधिकार नहीं है, वो कोई लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है। वहाँ तो आदेश मिलते हैं, वो आदेशों का अनुसरण किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उन लोगों की सोच नहीं है। जो पार्टी जो सोच संविधान के संदर्भ में संविधान बदलने के लिए कर रहे, आंतरिक चुनाव उन लोगों का थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव करने का, चयनित करने का किसी को अधिकार थोड़ी था। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के पास अधिकार था। जब हमने चाहा उस समय हमने यूनानिमसली करा। इस बार जब चुनाव की आवश्यकता पड़ी, स्थिति हुई, तो सबको अपना मत देने का अधिकार था और मत द्वारा हमने आदरणीय खड़गे जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता को ये हर्ष होता जब ये बात करती है हमारे द्वारा खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और नीचे तक उनकी यही स्थिति है। इसलिए वहाँ लोकतंत्र नहीं है। कैलाश मेघवाल जी इतने सालों तक उसके परिवार के अंदर आज सबसे सीनियर मोस्ट नेता है, उनके साथ अगर यह हास्य हुआ तो एक आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के सामने। नहीं, स्ट्रेटेजिक कमेटी के अंदर हम लोगों के आपस के अंदर एक स्वर समिति है कि जो पिछले दफ़े अलायंस हुए थे वहाँ उस असेंबली के अंदर कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ बहुत कमज़ोर हुआ है, तो भविष्य के अंदर किसी के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास बहुत अच्छी नीति है, सही नीयत है हम लोगों की, जो हमारे योजना है, जो हमारे विकास के काम है, उनके बलबूते पर हम लोग जाएंगे तो 100% कांग्रेस की सरकार बनाने की आज स्थिति राजस्थान के अंदर है। इसलिए किसी और के साथ अलायंस कर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये सर्वसम्मति से स्ट्रेटेजी कमेटी की हम लोगों की तरफ से एक तरह का सुझाव है, निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लेना है। उनका टिकट के संदर्भ में हम लोगों के आपस में चर्चा नहीं हुई, जिस संदर्भ में हमारी चर्चा नहीं हुई, एक कमेटी के चेयरमैन के तौर के ऊपर मेरे को उस संदर्भ में बात नहीं करनी। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस है, जवाहरलाल नेहरू जी की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आज़ाद की है और आज ये कांग्रेस खड़गे जी की कांग्रेस है, आज ये कांग्रेस राहुल गांधी जी की, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, वो किस बात का संघर्ष कर रहे हैं, एक विचार की, विचारधारा की, आखिरी समाज के हर व्यक्ति के जो अधिकार है उसकी रक्षा करना, उसके अधिकार के अंदर उसकी साझेदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, आपस में सामंजस्य में सबको साथ में लेकर, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उसकी कोई विचार है नहीं, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उसकी विचारधारा है नहीं, उसका कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नीयत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है,
उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर करो और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई से और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है। देखो ज्योति मिर्धा जी पार्टी छोड़कर गई है तो हम लोगों के लिए एक शोध का विषय, क्या कारण से कोई भी हमारे परिवार के अंदर ज्वाइन करता है तो हमें उसका जो झुकाव महसूस कर रहा है, किस कारण पार्टी को ज्वाइन किया है, जो व्यक्ति हमारे पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी के अंदर शामिल हुआ किन कारणों से गया, क्या परिस्थिति रही है उनकी, नागौर के अंदर क्या परिस्थिति रही है, दिल्ली में क्या परिस्थिति रही है, वो आज मैं 48 घंटों के अंदर मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, पर मेरा मानना है कि उसको समझने की ज़रूरत है, उसके शोध की ज़रूरत है कि वो किस कारण गया। कि हमारे परिवार के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहली सरकार बनाई थी तो किसी को पीछे थोड़ी छोड़ा, वही सोच हम सब लोगों की, हमको किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, समग्रता करनी है और आपस में सामंजस्य रखना है, ये देश है और ये कांग्रेस। जब मैं एजेंडा नहीं, मैं तो मेरे विचारधारा कार्यक्रम और जो विकास के काम और जो हम लोगों के यहाँ काम हुए हैं योजनाएं हुई उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कुप्रचार करा जा रहा हमारे विरोधियों द्वारा कि नहीं इन इसका असर नहीं है, इस कारण हम लोगों को गठजोड़ के कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के सौदेबाजी की राजनीति के अंदर देश में शामिल नहीं हुई, सुपारी देने की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी, ये भारतीय जनता पार्टी की तौर तरीके हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्थितियां उन्होंने पैदा करी, आज मणिपुर चल किस लिए रहा, किन किन ताकतों के साथ उन्होंने समझौता करा, ये गठबंधन गठजोड़ सुपारी ये कांग्रेस की राजनीति के अंदर कांग्रेस के संगठन के अंदर कांग्रेस के नेताओं में कार्यकर्ताओं में इस तरह की सोच का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सामने ये सवाल ये बिल्कुल ही, क्योंकि उनके जहन में इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, ये और किसी स्कूल से सिखाई जाती है समझाई जाती है, हम जिस स्कूल के छात्र हैं कांग्रेस के उसके अंदर इस तरह की चीज़ें का कोई सवाल हम लोगों के जहन के अंदर रहता ही नहीं। क्या लगता है राजस्थान का माहौल, क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, पूरी की पूरी आज हमारे स्टेयरिंग कमेटी का स्वर समिति से हमारी सोच है कि बहुत बेहतरीन योजनाएँ रही हैं, बहुत बेहतरीन हम लोगों के विकास के कार्य हुए, कोई तुलना ही नहीं कर सकता। पिछले 5 साल केंद्र सरकार के लगातार अन्याय के बावजूद इस राजस्थान को जिस गति से जिस जगह हम लोगों ने पहुंचाया वो अकल्पनीय है, कोई आधार नहीं है जिसके कारण हम लोग वापस रिपीट नहीं करें। ये आज जो हमारे स्ट्रेटेजी कमेटी है इसके अंदर इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा नहीं करी, अगले दफ़े हम लोग वापस नहीं। व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी आज अब आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हुआ तो उस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैं खड़ा हूँ, तो जहाँ जो चर्चा हुई उसके संदर्भ में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। धन्यवाद। जल्द आ रही है टिकटें, कब तक आ जाएंगी फर्स्ट लिस्ट? नहीं टिकटें देने का वो पूरी की पूरी प्रक्रिया अलग है, वो स्क्रीनिंग कमेटी, पहले PEC हमारे प्रदेश चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी और उसके बाद केंद्र चुनाव समिति उसके माध्यम से टिकटों का फैसला होगा। देखो इस समाज के अंदर तनाव है, ये तनाव का मूल कारण क्या है, द्वेष भावना प्रतिस्पर्धा और ये छदम वातावरण हम लोगों ने बना रखा है जो सच्चाई से दूर लेकर जाने का, ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं हम सब लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि समाज को हम लोग किस तरह से लेकर जा रहे हैं, दिशा में लेकर जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि कोटा के अंदर भी अगर आत्महत्या हो रही है या शहडोल ढाणियों के अंदर कोई खेजड़ी के ऊपर एक गरीब परिवार का आम परिवार का महिला बच्चा कोटा में हो रही है उस बात की तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वो हमारे लिए चिंता की बहुत बड़ी ज़रूरत है आवश्यकता है, पर जो ढाणियों के अंदर भी आज हो रहा है उसका कारण क्या है, आज टाकों के अंदर खेजड़ी के ऊपर नौजवान एकदम नव विवाहित, क्योंकि एकदम वातावरण हम लोगों ने सच्चाई हम लोग नहीं बता पा रहे, जो सच्चाई है जो समाज की सच्चाई है सरकार की सच्चाई है व्यवस्थाओं की सच्चाई है वो ईमानदारी हम लोगों व्यवस्था है और समाज के बीच में वो ईमानदारी नहीं हम लोग बता पा रहे हैं, और वो ईमानदारी बताने का काम भारत के अंदर इकलौता किसी नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ईमानदारी से जो बताया, अगर उस पद पर जाएंगे तो इस तरह की जो समाज के अंदर ये आत्महत्याएं हो रही है दूसरी चीज़ हो रही है समाज में परिवर्तन उसके माध्यम से होगा।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।